नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया वैज्ञानिकों का हौसला, कहा आप लोग पत्थर पर लकीर करने वाले हैं, इसरो पर पूरे देश को गर्व है। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चांद पर उतरते समय इसरो से संपर्क टूट गया और वैज्ञानिक परेशान उठे। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने इसरो के कंट्रोल सेंटर से देश को संबोधित करते हुए कहा कि देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए उनकी जय के लिए जीते हैं, आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए जूझते हैं, आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए जज्बा रखते हैं, मां भारती का सर ऊंचा हो इसके लिए पूरा जीवन खपा देते हैं। भारत के चंद्रयान मिशन की शनिवार तड़के उस समय झटका लगा जब लैंडर विक्रम से चंद्रमा की सतह से महज 2 किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया। अभी इसरो आंकड़ों का इंतजार कर रहा है। राजस्थान के पुष्कर में होने वाले अपने सम्मेलन में एनआरसी का मुद्दा भी उठा सकता है आरएसएस। राजस्थान के पुष्कर शहर में आज से शुरू होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दिवसीय सम्मेलन में कश्मीर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इसे राष्ट्रव्यापी नागरिक रजिस्टर का भी मुद्दा उठाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कश्मीर को लेकर के विशेष अधिकार देने वाले संविधान के विवादास्पद अनुच्छेद 370 को हटाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए संबंधित एक प्रस्ताव भी पारित कर सकता है। आरएसएस उस वक्त अनुच्छेद को हटाने के लिए लंबे समय से मांग कर रहा था। आरएसएस असम में एनआरसी सूची में बाहर हुए हिंदू आबादी की सुरक्षा की मांग कर सकता है। दिल्ली में आरएसएस के सूत्र ने बताया है कि भविष्य में संघ की ओर से राष्ट्रव्यापी एनआरसी की मांग उठाने की काफी उम्मीद है। मायावती ने हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी से तोड़ा गठबंधन, अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने की घोषणा की है। मायावती ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे का समझौता नहीं हो सका है। उन्होंने कहा है कि दुष्यंत चौटाला के अनुचित रवैये के कारण सीटों के बंटवारे का समझौता नहीं हो पाया है और बसपा की हरियाणा यूनिट के सुझाव पर गठबंधन समाप्त करने का फैसला किया गया है। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके हिसाब से हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में श्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी से जो समझौता किया था वह सीटों की संख्या और उसके आपसी बंटवारे के मामले में उनके अनुचित रवैये के कारण इसे बीएसपी हरियाणा यूनिट के सुझाव पर आज समाप्त कर दिया है। चंद्रयान 2 के बाद इसरो का अगला लक्ष्य होगा गगनयान। इस देश में बना स्पेस सूट पहनकर के उड़ान भरेंगे अंतरिक्ष यात्री। भारत वर्ष 2022 में स्वदेशी तकनीक से भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना पर काम कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने गगनयान अभियान के तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। रूस और फ्रांस भी भारत के इस महत्वाकांक्षी अभियान में मदद करेंगे। भारत के कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोस्मोस अंतरिक्ष अभियान के लिए तैयार किया जाएगा तथा 4 में से 3 को गगनयान अभियान के तहत चांद पर भेजा जाएगा। इस अभियान के तहत फ्रांस भी भारत को गगनयान अभियान के तहत अपनी ओर से मदद मुहैया कराएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को फ्रांस की ओर से स्वास्थ्य और ट्रेनिंग दी जाएगी जो ट्रेनिंग भारत और फ्रांस में की जाएगी। आपको बता दें कि रॉसकोस्मोस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक गगनयान के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली रॉकेट का एरोडायनामिक टेस्ट, पायलट व्हीकल और क्रू रेस्क्यू सिस्टम पर भारत के साथ बातचीत हो गई है और इस अनुबंध के तहत भारत की ओर रूस और गगनयान अभियान के तहत अंतरिक्ष यान की खिड़कियां और क्रू सीट और स्पेस सूट मुहैया कराया जाना है। खौफ में इमरान खान आर्मी चीफ के साथ पहुंचे एलओसी सैनिकों से की मुलाकात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के बेहद खौफ में हैं और इसका नतीजा यह है कि वो कल नियंत्रण रेखा पर पहुंचे। इमरान खान ने नियंत्रण रेखा पर सैन्य अफसरों और सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान इमरान खान के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने पिछले दिन पाक अधिकृत कश्मीर में भारत से लगी सीमा के साथ करीबन अपने सैनिकों में बड़ी इजाफा किया है। इससे पहले गुरुवार को भी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कश्मीर पर बातचीत की थी। इसके साथ ही खान ने कहा था कि सऊदी अरब और यूएई सहित पूरी दुनिया को कश्मीर पर लिए गए भारत के हालिया निर्णय को पलटने का नई दिल्ली में अनुरोध करने की भूमिका निभानी चाहिए। नाकाम नहीं हुआ है मिशन चंद्रयान, लैंडर विक्रम की तस्वीर आ सकती है। लैंडर विक्रम भले ही 2.1 किलोमीटर पर इसरो के कंट्रोल से संपर्क टूट गया हो लेकिन अब इसरो समेत पूरे देश की नजर ऑर्बिट पर टिक गई है। ऑर्बिट पहले ही लैंडर विक्रम से अलग हो चुका है और फिलहाल चांद की चारों ओर चक्कर काट रहा है। ऑर्बिट करीबन 1 साल तक चांद का चक्र काटेगा और वहां से अहम जानकारी इसरो को भेजेगा। ऐसे में अब चांद के अगले अभियान के लिए ऑर्बिट से मिलने वाली जानकारी अहम हो सकती है। इसरो के एक वैज्ञानिक ने बताया है कि मिशन का सिर्फ 5% लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर नुकसान हुआ है और बाकी 95% चंद्रयान 2 ऑर्बिट अभी भी चांद पर सफलतापूर्वक चक्कर काट रहा है। 1 साल मिशन अवधि वाला ऑर्बिट चंद्रमा की कई तस्वीर लेकर के इसरो को भेजता रहेगा। अधिकारियों ने बताया है कि ऑर्बिट लैंडर की तस्वीर भी लेकर के वो भेज सकता है। इसके लिए स्थिति के बारे में पता चल सकता है।
बिहार में 28 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी एनआरसी को लेकर के बीजेपी और जेडीयू आमने सामने। असम में एनआरसी लागू हो गया है जिसको लेकर के राजनीति बहस जारी है। इसके बीच बिहार में एनआरसी को लागू करने की मांग जोर से पकड़ने लगी है। हालांकि जितनी तेजी से एनआरसी के पक्ष में माहौल बनने की कोशिश हो रही है उतनी ही तेजी से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बिहार में सरकार चला रही बीजेपी और जेडीयू इस मुद्दे पर फिर आमने सामने आ गई है। जेडीयू साफ तौर से कह रही है कि बिहार में एनआरसी लागू जरूरी है, जबकि बीजेपी के कुछ नेता इसकी वकालत कर रहे हैं।